हेलो एवरीवन आज हमें पढ़ना है इवोल्यूशन के बारे में बेसिकली हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन हमें क्या करना है उसको फॉर्म में पढ़ना है बिकॉज हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं कैसे भूल सकते हैं हम अब उस एग्जाम टाइम में हम पूरी की पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते ना ही हम एक बहुत बड़ा सा लंबा सा कोई लेक्चर देख सकते हैं तो हमें क्या चाहिए एक छोटा सा पार्ट चाहिए यानी कि हमारे चैप्टर का पूरा एक समराइज फॉर्म चाहिए हमें एक बिल्कुल शॉर्ट नोट की रिक्वायरमेंट है तो वही शॉर्ट नोट आज मैं आपको देने वाली हूँ हैरी इवोल्यूशन के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम कहा से आए हैं आज अगर हम बात करते हैं कि हम चिंपान से आए हैं तो चिंपान से लेके हमारे तक का जो सफर है जो इतना एक मॉडर्न मैन बन चुका है ये डायरेक्टली तो आ नहीं सकता ऐसा तो था नहीं कि चिंपायन जो है रात को सोया और सुबह उठा तो देखा कि अरे यार मैं तो इसमें कन्वर्ट हो गया ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हो गया पॉसिबल नहीं है ये चीजें ना ही ऐसा हुआ कि चिंपैन का जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें जो प्रोडक्शन आया मतलब जो नई प्रोजीनी आई वो प्रोजीनी क्या थी एक ह्यूमन बींग था तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था धीरे 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 क्या होता है बॉडी के अंदर होते हैं चेंजेस मतलब डीएनए के अंदर होते हैं चेंजेस और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है इवोल्यूशन आता है यानी कि एक स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जाती है तो कैसे आया धीरे 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 चेंजेस की वजह से आया अब ये चेंजेस क्या होते हैं तो देखो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर हमेशा क्या होता है डीएनए कॉपी होता है और उस डीएनए कॉपी की वजह से क्या हो रहा है उस डीएनए के कॉपी होने की वजह से हर बार कोई ना कोई एरर जरूर रह जाता है कोई ना कोई उसके अंदर वेरिएशन जरूर आता है डीएनए के अंदर वेरिएशन आ जाता है और उस डीएनए में वेरिएशन या उस डीएनए के अंदर एरर की वजह से ही एक जो नई प्रोजीनी बनती है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंज जरूर रहता है वही चेंज जब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टाइमलेट होता रहता है, के बाद में, हर एक है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं है क्या बिल्कुल भी हम ये पहचान नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपी तो ये हमको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहले हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुकी है कि डीएनए कॉपी की वजह से क्या हो रहा है इवोल्यूशन होता है सम सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन डिसरिटीज एंड द पेरेंट पेरेंट जो होता है जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो साथ में क्या होगा डीएनए जो है वो कॉपी होगा अब वो जो डीएनए कॉपी हो रहा है उस डीएनए कॉपीइंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो होता है वो भले ही हमें पेरेंट से मिले हो लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर चेंज होने की वजह से कुछ वेरिएशन आने की वजह से कुछ एरर आने की वजह से क्या हो रहा है धीरे 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 इवोल्यूशन होता चला गया और आज यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं

इवोल्यूशन आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्या चीज है कि जस्ट आ, कोई भी जो पेरेंट है कोई भी जो प्रोजीनी है वो जब रिप्रोडक्शन करती है और उससे जब नई प्रोजीनी का बर्थ होता है तो एक वेरिएशन हुआ वही वेरिएशन हर बार के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है अकमलेट होता है और अकोमलेन के बाद में एक नई स्पीशीज बन के आ जाती है जिसे हम क्या कह देते हैं कि ये इवोल्यूशन की वजह से आई है ठीक है इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका है नाउ व्हाट अबाउट द हेरिडिटी टी का मतलब होता है कि आ, अगर मैं आपको बोलूं कि वाह आपके तो बाल कितने सुंदर लग रहे हैं और अगर आप बोले कि मैम मेरे तो बाल ना मेरी मदर पे गए हैं इसलिए इतने सुंदर है, है तो ये मदर से जो आपके अंदर कैरेक्टर आया है जो मदर से या फादर से जो कैरेक्टर एक नई प्रोजिनी में उनके बेबी में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं ये इनहेरिटेंस की वजह से आता है या ये हेरिडिटी की वजह से आ रहा है देखो होता क्या है एक हमारे मदर से आता है हमारा डीएनए एक आता है हमारे फादर से डीएनए मदर और फादर से क्या आएगा एक एक डीएनए आएगा उनकी क्या होगी कॉपी होके जब वो मिक्स होगा तो मिक्स होते ही क्या होगा एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा एक नए टाइप का डीएनए बनेगा और उस नए टाइप के डीएनए में कुछ कैरेक्टर जो है वो मदर के होंगे कुछ कैरेक्टर जो है वो फादर के होंगे और कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे न्यू टाइप का प्रोटीन है तो नए टाइप के कैरेक्टर भी लेकर आएगा ठीक है तो जो कैरेक्टर मदर से मैच हो रहा है या जो कैरेक्टर फादर से मैच हो रहा है वो किसकी वजह से हुए वो हेरिडिटी की वजह से होता है डू यू नो कि हेरिडिटी की वजह से हमारे स्किन का कलर भी आता है हमारी आंखों का कलर आता है हमारे बालों का टेक्स्चर आता है किसी के स्ट्रेट किसी की कर्ली किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी कोई कई बार होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज हमारे पेरेंट्स में से किसी के बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ये सब क्या है ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर जाते हैं यही किसकी -किस वजह से आए नो कि कि कुछ आ, कई बार होता है डिजीज भी हेरिडिटी की वजह से आती है डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं कोई डिजीज को लेकर तो डॉक्टर हमेशा हमें यही पूछता है कि क्या आपके पेरेंट्स में से किसी को है या आपके फैमिली मेंबर में से किसी को ये डिजीज है तो ये मोस्टली आपको हो सकती है क्यों क्योंकि तो ये भी हेरिडिटी की वजह से आ सकती है फाइन चलो So, I hope कि आपको है कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं ये ऑलरेडी हम कितनी ही बार हम पढ़ चुके हैं सो आई होप यू नो वेरी वेल की क्या होता है जब भी कोई कैरेक्टर अपने पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं ठीक है, देते है. चलो अब कुछ जो ट्रेड्स होता है देखो दो चीजें होती है एक होता है कैरेक्टर एक होता है ट्रेट ठीक है क्या होता है कैरेक्टर और ट्रेट होता है ट्रेड्स की तो इनहेरिटेड क्या होता है इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो हमें हेरिडिटी की वजह से मिले हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बालों का कलर आपकी मदर के बालों का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है कई बार हमने सुना है कि वा आप तो बिल्कुल अपने मदर पे गए हो या आप अपने बिल्कुल फादर पे गए हो हो सकता है आपका फेस कट मैच कर रहा हो पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है कई बार होता है कि हमारी आंखें हमारे, हमारे पेरेंट्स में से किसी से मैच कर जाती है कई बार होता है कि हमारे बालों का टेक्सचर जो बालों का कलर जो है वो भी हमारे पेरेंट्स से मैच करता है तो ये क्या आया ये हेरिडिटी की वजह से आया तो इन ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस है। इन ट्रेड कह देते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स कह सकते हैं इनको अब ये इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब जो पेरेंट्स है मुझे आप ये बता दे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि बहुत अच्छी कुकिंग आती है कोई शेफ है। तो क्या जरूरी है कि उसका जो बेबी होगा वो भी शेफ बनेगा नॉट पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सही चीज है ये तो पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज ये जो शेफ बना है वो जो कुकिंग उसकी अच्छी वो skills कहां है वो स्किल्स कहाँ से आई है वो इनहेरिटेड ट्रेट में नहीं है वो किसी डीएनए से नहीं आई है ना वो मदर से मिली है ना फादर से मिली है वो अपने आप डेवलप की गई स्किल है तो ये जो अपने आप डेवलप की गई स्किल होती है वो इनहेरिटेड ट्रेड में नहीं आती है इनहेरिटेड ट्रेड्स में ओनली वो ट्रेड्स आ जाते हैं जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं देखो इन फा, इस फैमिली में जो छोटी सी फैमिली इसके अंदर देखो इनके फादर के जो फेस है वहां पर क्या है फ्रिकल्स है वहां पर क्या है देखो छोटे छोटे छुट आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे ना इन डॉट्स को क्या कहते हैं फ्रिकल्स कहते हैं ठीक है थीके? अब इस चाइल्ड के भी देखो चाइल्ड के भी जो गाल है कि क्यूट तो क्यूट से इसके गालों के ऊपर भी क्या है छोटे 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 फ्रिकल्स है बहुत सारे डॉट्स है इसका मतलब ये ट्रेट क्या है ये इनहेरिटेड ट्रेट है जो इसको कहाँ से मिला है अपने फादर से मिला है ठीक है फादर से मिले चाहे मदर से मिले दोनों का डीएनए आया था तो दोनों में से किसी एक से मिलेगा तो ये ट्रेड कौन से होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड होते हैं जो हमें विरासत में मिले हुए होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट से मिले होते हैं अब चाहे वो हमें बालों का कलर मिले चाहे प्रेकल मिले या चाहे कुछ और मिल जाए फाइन अच्छा इन्हीं इनहेरिटेड ट्रेड से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं इससे पहले हम कि इनहेरिटेड ट्रेट के साथ साथ में एक एक्वायर्ड ट्रेट भी होता है वैसे हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन एक होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड ट्रेट ट्रेट क्या होता है एक्वायर किए हुए होते जिनको क्या किया जाता है जिनको अरे फिर गलत चलो सही लिखते एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है जिनको कि हम एक्वायर करते हैं किसी की डांसिंग स्किल अच्छी है तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसकी जो नई प्रोजिनियां आएगी उसकी नेक्स्ट वाली उसमें भी डांसिंग स्किल होगी नहीं ये क्या है एक्वायर्ड ट्रेट है ये हमने कहा से लिया है हमने नेचर में से लिया है Uh, कभी होता है किसी को कोई चोट लग जाती है तो क्या वो चोट नेक्स्ट जनरेशन में जाती है नहीं जाती है तो ये क्या है एक्वायर ट्रेट होता है फाइन चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ नेक्स्ट थिंग इज रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड देखो मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ठीक है ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था उनका वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और उन बहुत सारे पेड़ पौधों के अंदर उन्होंने क्या कि देखा कि मटर के पौधे उनको बड़े इंटरेस्टिंग से लगे तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो मैं एक काम करता हूँ मटर के पौधों पर ही एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ क्यों किया सिर्फ मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज जो मटर के पौधे थे वो बहुत स्वीट थे राइट नहीं स्वीट नहीं थे एक्चुअली मटर के पौधे बहुत छोटे छोटे से थे तो जगह कम ले रहे थे सेकेंड थिंग मटर के पौधों का जो ड्यूरेशन डूरे, था वो बहुत कम था उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था अब सोचो अगर आम के पेड़ों पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आम का पेड़ तो कितने सालों में बन के आता है तो वो कब तक वो बड़ा होता कब एक्सपेरिमेंट पूरा होता तो पॉसिबल नहीं था ये तो मटर के पौधे जो थे बिल्कुल छोटे से थे लाइफ स्पैन भी उनका छोटा था प्लस उनके अंदर वेराइटी खूब थी वेरायटी बहुत ज्यादा थी ट्रेड्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे दैट इज वाई उन्होंने क्या सोचा कि मैं मटर के पौधों पर ही क्या करता हूँ एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या दिया इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स दिए ठीक है इनहेरिटेंस के रूल से पहले हम एक चीज देखते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था तो उन्होंने सबसे पहले करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने क्या करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर सकते हैं देखो अः कुछ एलियस होते हैं और कुछ होते हैं जीनो टाइप जीनो टाइप का मतलब क्या होता है तो जीनो टाइप का मतलब होता है ये जो जीन्स है ना इनको बोला जाता है जीनो टाइप बी बी हो गया जैसे ये स्मॉल बी स्मॉल बी ए कैपिटल बी स्मॉल बी तो ये क्या जीनो टाइप्स है ठीक है

सो so, देखो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके देखे हैं लेकिन हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट में देख रहे हैं दैट इज uh, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके उसको चल रही सी लूंगे एलिस्ट हमने क्या लिया एक तो ब्लू ले लिया जो कि डोमिनेंट ट्रेट है एक ले लिया व्हाइट जो कि रिसेसिव ट्रेट होगा अब ये रिसेसिव डोमिनेंट क्या है ये हम अभी देखेंगे वापस एक लिया ब्लू एक लिया व्हाइट अब क्या हुआ जब दोनों का क्रॉस करवाया गया एक लिया ब्लू एक लिया व्हाइट जब दोनों का क्रॉस करवाया गया तो देखो ये तो हमने लिया था ब्लू वाला ये हमने लिया था व्हाइट वाला तो व्हाइट वाले के लिए क्या था स्मॉल बी स्मॉल बी था उसका जीनो ठीक है दोनों को क्या कर दिया सेग्रीगेट कर दिया यहाँ पर भी इनको सेग्रीगेट कर दिया अब दोनों का करवाया गया क्रॉस स्मॉल बी बना फिर कैपिटल बी स्मॉल फिर कैपिटल बी और स्मॉल ठीक है तो जो सारे पौधे मिले वो कैसे मिले ब्लू कलर के फ्लावर वाले मिले देखो एक पौधा लिया गया ब्लू फ्लावर वाला एक पौधा लिया गया व्हाइट फ्लावर वाला जब दोनों का क्रॉस करवाया गया तो सारे ही का था। निकला दोनों का। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि भाई व्हाइट और ब्लू दोनों थे तो सिर्फ ब्लू वाले ही क्यों अपियर हुए व्हाइट वाले अपियर क्यों नहीं हुए तो व्हाइट वाले अपियर इसलिए नहीं हुए बिकॉज यहाँ पर मेंडल ने क्या दिया मैंडल ने एक और नाम दे दिया उसको क्या नाम दिया उसको एक लॉ का नाम दे दिया जो कि था लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उस डोमिनेंस वाले लॉ की वजह से ही क्या होता है जो भी डोमिनेंट नेचर का होगा वो ट्रेड कभी भी रिसेसिव ट्रेड को बाहर आने ही नहीं देगा मतलब कि जो ब्लू वाले पौधे थे उन्होंने क्या किया जो व्हाइट कलर था उसको बिल्कुल छुपा दिया जो व्हाइट कलर था स्मॉल बी था दैट इज रिसेसिव ट्रेड कौन सा ट्रेड था ये रिसेसिव ट्रेड था ठीक है ये रिसेसिव ट्रेड था और जो कैपिटल बी है ब्लू ये क्या था ये डोमिनेंट ट्रेड था कौन सा ट्रेड था ये डोमिनेंट ये ट्रेड था ठीक है ये कौन सा ट्रेड था डोमिनेंट ट्रेड था डोमिनेंट ट्रेड को हमने यहां से समझा था जीन और नोबिता से हमने समझा था कि जो बहुत ताकतवर होता है जो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं होने देता उसे हम क्या कह देते हैं डोमिनेंट कह देते हैं यानी कि जियान जिस तरह से जियान नोबिता को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होने देता है वो हमेशा उसको मारता पीटता रहता है बिकॉज वो ताकतवर है तो जियान यहाँ पर क्या होता है डोमिनेंट है और जो नोबिता बहुत डरा डरा सजा रहता है वो क्या है यहाँ पर रिसेसिव ठीक है तो जहां पर भी नोबिता अगर बैठा भी होगा तो वहां से क्या होगा जियान आएगा उसको फटाफट से हटा देगा ठीक है तो ये क्या हुआ जियान क्या कर रहा है वो नोबिता को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं होने दे रहा है तो नोबिता क्या हो गया रिसेसिव और जियान क्या हुआ डोमिनेंट ठीक है तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें ब्लू और वाइट की तो ब्लू क्या है डोमिनेंट है ब्लू क्या करेगा व्हाइट को आने ही नहीं देगा उसको बिल्कुल पीछे छुपा के रखेगा भले ही जीनो टाइप में दोनों प्रेजेंट है लेकिन विजिबल कौन हुआ ओनली ब्लू बिकॉज वो क्या है डोमिनेंट है फाइन तो मेंडल का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहली बार जब उन्होंने क्रॉस करवाया था तो उन्होंने एक लॉ दिया कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम की भी कोई चीज होती है इनहेरिटेंस के टाइम पर जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो जो डोमिनेंट ट्रेड है वो कभी भी रेसेसिव को उभर के आने ही नहीं देगा वो रिप्रेजेंट ही नहीं होने देगा हमेशा खुद ही आगे रहेगा ठीक है तो यहाँ पर भी देखो क्या है जो मटर के पौधे थे उनके अंदर जब हमने ट्रेट्स को लिया तो ये पता चला कि जो राउंड है सीड का जो शेप राउंड शेप का सीड होता है और एक होता है रिंकल शेप का सीड तो जो राउंड है वो डोमिनेंट है और रिसेसिव कौन है रिंकल्ड वाला है सीड के कलर में देख ले सीड कलर जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कभी भी नहीं होने देगा जो पॉड का शेप था जब वो इन्फ्लेटेड है और एक क्या है कंस्ट्रक्टेड ये इस तरह का जो शेप होता है ना इस तरह का जो मटर के पौधे वो जो मटर का एक पॉड होता है उसका जब शेप अगर इस तरह का हो तो ये हम भी खरीदते नहीं हमें भी लगता है कि अच्छा नहीं है तो जो पॉड का शेप है इन्फ्लेटेड होता है तब तक तो ठीक है वो कौन सा डोमिनेंट रेट है और जब हम बात करते हैं कंस्ट्रिक्टेड की तो वो कौन सा है रिसेसिव रेट जाता है पॉड के कलर ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है जब ग्रीन कलर होगा तो वो येलो को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होने देगा दैट इज वाई जो मोस्ट ऑफ द पी होते हैं उनके पॉड्स कैसे होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं येलो कलर इसके अंदर क्या आ जाएगा रिसेसिव रेट है पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है व्हाइट रिसेसिव है तो व्हाइट वाला रिप्रेजेंट नहीं होगा जब तक कि purple flower वा, purple वाला पर है जीन है. Flower की और एक टर्मिनल है तो एक्सियल प्लांट का साइज टॉल और शॉर्ट है टॉल और डॉफ है तो टॉल वाला क्या है डोमिनेंट है।, है, है, तो है? है जब तक टॉल वाला जीन होगा वो डॉफ वाले को कभी भी ऊपर आने ही नहीं देगा हमेशा प्लांट कैसा बनेगा फिर टॉल बनेगा ठीक है तो आई होप कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो काम करता है ठीक है? चलो एक और क्रॉस करवाया था उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया ठीक है फिर उन्होंने सोचा एक काम करते डायहाइब्रिड क्रॉस करवा के देखते मतलब कि इस बार उन्होंने क्या लिया दो तरह के कैरेक्टर्स को जिसके अंदर डिफरेंट अपोजिट जो है वो ट्रेड्स मिल जाए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट में क्या मिल जाए ट्रेड्स मिल जाए तो कुछ कैरेक्टर्स लिए क्या कैरेक्टर लिया एक तो लिया आ, येलो ठीक है येलो और ग्रीन कलर ले लिया तो एक तो ले लिया कलर कलर के अंदर क्या लिया कलर के अंदर लिया है येलो एंड ग्रीन ठीक है येलो एंड ग्रीन ले लिया सेकंड में इन्होंने क्या किया सेकंड जो कैरेक्टर लेना था उन्होंने कौन सा लिया वो लिया शेप शेप में एक तो ले लिया देखो रिंग एक तो ले लिया उन्होंने राउंड जो कि डोमिनेंट है और दूसरा क्या है रिंकल ट्रेट कौन सा है रिंकल ठीक है चलो अभी जो रिंकल है ये क्या है रिसेसिव है ये हमको पता है वैसे ही इसके अंदर देखो जो ये आ, सीड का जो कलर है वो ग्रीन कलर क्या है रिसेसिव ट्रेट फाइन चलो अब देखो येलो कलर को रिप्रेजेंट किससे करना है येलो कलर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से शेप में राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से और रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से ठीक है चलो अब इन्होंने क्या किया एक ऐसा प्लांट लिया जिसके जो सीड थे वो बिल्कुल राउंड थे और येलो कलर का था राउंड एंड येलो कलर का था सेकेंड जो उन्होंने लिया वो रिंकल था एंड ग्रीन कलर का था रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड एंड ग्रीन और जो फर्स्ट लिया वो कैसा था येलो एंड राउंड ठीक है जब इनका क्रॉस करवाया गया तो इनका क्रॉस करवाते टाइम देखो क्या किया गया यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को इस तरह से सेट कर दिया गया यानी कि कैपिटल वाय देखो क्या है कैपिटल वाय है स्मॉल वाय है कैपिटल आर है और स्मॉल आर है ये कौन सी जनरेशन है ये फर्स्ट जनरेशन कैसे तो ये जो थे येलो एंड राउंड रिंकल्ड एंड ग्रीन इनका क्रॉस करवाया गया कौन सा मोनोहाइब्रिड कौन सा ठीक है यहाँ पर क्या हुआ एफ वन जनरेशन मिली एफ वन जनरेशन का जो फिनो टाइप था वो हमेशा कैसा था येलो कलर का था और राउंड था क्यों क्योंकि इसकी जीनो टाइप कैसे थे ये था ये जीनो टाइप है तो यहाँ पर येलो कलर क्या है डोमिनेंट है यहाँ पर राउंड क्या है डोमिनेंट है तो उससे क्या बनेगा ये येलो कलर का राउंड शेप का सीड मिला सारे ही वैसे मिले अब इनको कंफ्यूजन हो गया क्या सारे ही ऐसे मिल गए क्या सारे एक्चुअली यही है नया जब आगे बनेंगे तब भी क्या यही बनेंगे तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं

वो हमेशा खुद सुपीरियर रहेगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड लॉ क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है चीजें सेग्रीगेट हो रही है सेग्रीगेट कैसे होती है तो तो जब जब हमने 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 एलील्स की बात की थी। हमने जीनो टाइप की की बात बात थी थी तो देखो जीनो टाइप हमने क्या लिया था कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी ठीक है यहाँ पे भी दो एलील्स है यहां पे भी क्या है दो एलील्स है अब जब इनका क्रॉस होगा तो इनको हम क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग कर देंगे हम इनको तो यहाँ पर भी देखो क्या है कुछ पोलेंस है कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल स्मॉल है तो यहाँ पे क्या किया गया सेपरेट कर दिया गया भाई लेना तो ऐसे चाहिए था वैसे तो इनको लेकिन ऐसे नहीं लेके क्या कर दिया कि सबको सेग्रीगेट कर दिया आर यार अलग कर दिया यहाँ पे एक आर एक आर अलग कर दिया ठीक है चलो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हमने दो कैरेक्टर्स को लिया कि एक तो हमने ले लिया कलर एक हमने ले लिया शेप तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से नहीं लड़ रही है ये सिर्फ अपने कॉन्ट्रास्ट से लड़ रहे हैं मतलब जो रिंकल और राउंड है वो अपने आप से लड़ रहे हैं ठीक है चीके? और जो कलर में येलो ग्रीन कलर है तो येलो वाला जो है वो ग्रीन कलर को दबा रहा है वो शेप को नहीं दबा सकता वो शेप को चेंज नहीं कर सकता तो ये क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इंडिपेंडेंट मतलब कलर जो है वो शेप से इंडिपेंडेंट है शेप जो है वो कलर से इंडिपेंडेंट है इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी जोर नहीं है ये सिर्फ अपने कॉन्ट्रास्ट के साथ में लड़ेंगे ये एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे तो हो हो अब देखो ये जो ट्रेड है ये किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं एक्चुअली होता क्या है कि जब इन ट्रेड की बात आती है तो कोई भी ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है अपने डीएनए की वजह से करते हैं देखो हर बार क्या होता है एक डीएनए आता है ठीक है फिर एक साथ में एक दूसरा डीएनए भी आता है जिसको दो, दोनों का क्या करवाया जाता है क्रॉस करवाया जाता है जब क्रॉस करवाया जाता है तो हर बार जो डीएनए है दो डीएनए मिक्स होंगे तो क्या होगा एक नए टाइप का डीएनए बनेगा एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा द डोमिनेंट वन सिर्फ और सिर्फ कौन होगा द डोमिनेंट वन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा रिसेसिव वाला कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो यहां पर भी हमें पता है कि कौन सा ट्रेड जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है द डोमिनेंट वन विल बी एक्सप्रेसिंग अदरवाइज जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा वो कभी भी आग, अपने आप को आगे नहीं आएगा कि वह चलो ठीक है मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं नहीं वो हमेशा कहा रहेगा बैक स्टेज पे रहेगा क्लियर है चलो देखो जीनो टाइप है भले ही जीनो टाइप के अंदर कोई भी टाइप का हो लेकिन जो बाहर दिखा है जो फिनो टाइप हमको दिखा है हमारे लिए तो वही सुपीरियर है तो हमारे लिए वो क्या है डोमिनेंट वाला जो है वही क्या है सुपीरियर है

कि अः किसी के लड़का होता है किसी के लड़की होती है जब मूड हुआ लड़का जब मूड हुआ लड़की नहीं ऐसा नहीं होता है एक्चुअली जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई एक सेल कहाँ से आता है मदर से आता है एक सेल आता है फादर से क्लियर है दोनों का अपना अपना डीएनए आएगा दोनों मिक्स होंगे मैच होंगे फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन होगा दोनों का और उससे एक बेबी बनेगा एक्चुअली जो जीन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो जींस होते हैं जीन्स मतलब हम जीन्स जींस वाली जीन्स की बात नहीं कर रहे हम पहनने वाली जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कौन से जीन की बात कर रहे हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है देखो हम स्ट्रक्चर बहुत बार देख चुके हैं सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमेटिन नेटवर्क जब ये सेल बिल्कुल डिविजन की फॉर्म में आ जाएगा कि भाई अब तो मैं डिवाइड हो जाऊंगा आई एम वेरी मेच्योर अब मैं मेच्योर हो चुका हूं अब मैं क्या होगा डिवाइड होगा तो जब डिवाइड होने की कंडीशन में होता है म्योसिस प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है उस टाइप पर ये क्रोमेटिन नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है डीएनए एंड जीन होते हैं ठीक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं दैट आर 44 ठीक है टोटल नंबर कितना होता है टोटल नंबर जो होता है वो होता है uh, 44 ठीक है 44 में से क्या होगा 44 में से जो uh, 22 होंगे बेसिकली होता ये है कि 46 होते हैं लेकिन हम 44 लेके चलते हैं क्यों 46 में से जो एक है, किस में रहेंगे? पेर में रहेंगे तो पेयर कितने होंगे ट्वेंटी थ्री पेयर्स होंगे ठीक है ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से जो ट्वेंटी टू होते हैं वो तो फीमेल और मेल दोनों के अंदर क्या होता है बिल्कुल सिमिलर होता है डन ठीक है गेटिंग माई पॉइंट कि फीमेल और मेल दोनों के अंदर क्या होंगे बिल्कुल सिमिलर होंगे ट्वेंटी टू ठीक है एक जो बचता है वो कर देता है गड़बड़ वो क्या गड़बड़ करता है तो जो एक क्रोमोजोम होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो फीमेल के अंदर अलग होते हैं वो मेल के अंदर अलग होते हैं कैसे होंगे मेल के अंदर अलग देखो जब हम बात करते हैं फीमेल की तो फीमेल के अंदर तो क्या होता है एक्सएक्स होता है मेल के अंदर यहाँ चेंज हो जाता है मेल के अंदर क्या हुआ एक्सवाई हो गया फीमेल में तो एक्सएक्स थे मेल के अंदर क्या हो गया एक्स वाई हो गया अब क्या होगा सेग्रीगेशन होगा लॉ ऑफ हमने पढ़ा है ठीक है दोनों का क्या हुआ एक क्या होगा एक्स एक्स बनेगा और एक्स एक्स हमने क्या कहा फीमेल का होता है और जब ये वाई एक्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो क्या होता है एक्स वाई बनेगा और ये जो एक्स वाई है किसका ये मेल का होता है तो यहाँ पे क्या होगा लड़का हो जाएगा ठीक है तो लड़की होने के भी 50% चांसेस होते हैं और लड़का होने के भी 50% चांसेस होते हैं नाउ जब कहा जाता है कि यार ये लड़की जो है इस को क्या कहें हम इसके अंदर कोई भूत है चुड़ैल है पता नहीं क्या हमेशा लड़की कोई पैदा करती है तो वहां वो चीज गलत हो जाती है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द साइंस लड़का होगा या लड़की होगी उसके ऊपर किसी भी फीमेल का जोर नहीं होता है हमेशा किसकी वजह से होता है ये ये मेल की वजह से होता है जो मेल के क्रोमोजोम्स उनकी वजह से होता है और बेसिकली बैस, अगर देखा जाए किसी के हाथ में नहीं है ये अपने आप साइंस वाली चीज है ये ऑटोमेटिक होती है ये हमारे विल पे काम नहीं करती है लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ना एक को कहते हैं ना कि ब्लेम करना है तो हम लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते भाई वो दोनों ही कंडीशन में क्या कर रही है एक एक्स एक्स ही तो दे रही है लेकिन मेल क्या करता है एक कंडीशन में एक्स देता है दूसरी कंडीशन में वाई देता है ठीक है अगर एक्स वाला जाके उससे फ्यूज हो जाएगा तो फीमेल होगी यानी लड़की पैदा होगी अगर वाय वाला जाके उससे फ्यूज हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा ठीक है और दोनों ही इक्वल अमाउंट में हो सकते हैं तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस होते हैं लड़की और लड़का होने के ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन देखो हमने हेरिडिटी पढ़ ली है ट्रेड हमने पढ़ लिया ट्रेड इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे किसके ऊपर किया था क्यों किया था कौन से लॉज उन्होंने दिए थे ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है तो अब हम आते हैं हमारे इवोल्यूशन की इवोल्यूशन हुआ है ठीक है अच्छी बात है लिंक कैसे हुआ है तो देखो कुछ इल्यूजन्स है हमारे पास मतलब तो ये एक्चुअल में नहीं हुए थे बट हम जस्ट ये सोच रहे हैं क्या सोचा हमने देखो देर आर सम बीटल्स रेड बीटल्स है यहाँ पे कुछ अब ये जो रेड बीटल्स है ये थोड़े शरारती है शरारती इन दस ये क्या कर रहे है? थे बेचारे बहुत सीधे हैं शरारती नहीं है चलो ये क्या कर रहे हैं अपने आराम से जी रहे थे बट वहां पे क्या हुआ कौए आ गए इन कौवे ने क्या किया इनको खाना शुरू कर दिया वही ग्रीन कलर की लीव्स के ऊपर रेड बीटल बहुत आसानी से दिख जाते थे तो उनको खाना शुरू कर दिया जब उनको खाना शुरू किया तो इनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती चली गई बट देर इज एम जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ ऐसा हुआ कि एक जो था उसकी जीन में कुछ चेंजेस आ गए उसके डीएनए में चेंजेस आ गए उसका कलर चेंज हो गया कलर हो गया ग्रीन कलर अब क्या हुआ ग्रीन कलर वाले जो थे इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और अपना नंबर बढ़ा लिया रेड वाले बेचारे कर तो रहे थे लेकिन उससे ज्यादा कौन उन्हें खा रहा था क्रो उन्हें खा रहे थे लेकिन ग्रीन वाले बच रहे थे क्यों ग्रीन वालों को आ, क्रो जो है वो देख नहीं पा रहे थे ग्रीन कलर के जो लीव्स होती है उसके ऊपर ये क्रो इनको देख नहीं पा रहे थे तो ये बच गए तो हुआ क्या एक टाइम के बाद में देखो रेड वाले तो खत्म हो गए लेकिन सिर्फ ग्रीन वाले बच गए अब क्रो के हाथ में कुछ नहीं लगा जो क्रो को टेस्टी सा खाना मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिला बिकॉज उनको ग्रीन कलर वाले ये बीटल्स तो नजर ही नहीं आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ स्पीशीज चेंज हो गई लेकिन अगर ये कलर नहीं आता अगर ये ग्रीन कलर नहीं आता तो क्या होता जो बीटल है वो पूरे ही खत्म हो जाते बीटल पूरे ही खत्म हो जाते और बीटल बचते ही नहीं तो बीटल ने अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए क्या किया है अपने डीएनए के अंदर चेंजेस कर लिया अब ऐसा नहीं है कि अपने आप कर सकते हैं लेकिन ठीक है इट इज नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर ने ही सेलेक्ट किया है इनको नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है क्यों ताकि ये बच सके ठीक है नेचर ने इनके अंदर क्या कर दिया भाई पता तो चल ही रहा था कि ये ऐसे रेड बीटल्स को खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे रेड बीटल तो क्या हुआ कि इनके डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हुए और ये कैसे हो गए ग्रीन कलर के हो गए तो जो ग्रीन कलर के बीटल्स जब उन्होंने ग्रो करना शुरू किया तो क्रो को पता नहीं चला और क्रो उनको खा नहीं पाए तो क्या हुआ ये जो ग्रीन वाले बीटल्स थे ये बच गए फाइन इनकी पॉपुलेशन अब आराम से ग्रो कर पा रही है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बस रेड वाले खत्म हो गए एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन गई लेकिन वो दूसरी स्पीशीज अभी भी सरवाइव कर रही है Point? चलो इसको इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन ये सेलेक्शन में हेल्प करता है. है, है? है. मतलब है एक के रहते रहते है, दूसरे का बन जाना कैसे बनेगी तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो स्पीशिएशन का एक मेथड क्या आता है नेचुरल सिलेक्शन आता है जिसको हम यहाँ भी देख सकते हैं एक चीज मैं आपको बताती हूँ चलो ये रह, देखो ये क्या है नेचुरल सिलेक्शन है नेचर क्या करती है सेलेक्ट करती है कैसे करेगी देखो यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है किसकी चूहों की इन चूहों को क्या हुआ इन चूहों को बर्ड्स ने खाना शुरू कर दिया तो खाना शुरू किया तो क्या हुआ कुछ जो थे ये देखो ये आपको आई थिंक नजर आ रहे होंगे ये वाले चूहे ये कैसे आ गए ये इस ता, इस टाइप ता, के कलर लेकर आए कि ये इन बर्ड्स को अब नजर ही नहीं आ रहे थे जो जहां पर ये लोग रह रहे थे उन्हीं का कलर लेकर आ गए ये तो क्या हुआ ये अब उन बर्ड्स को नजर नहीं आ रहे थे तो इनको कोई खाएगा नहीं फिर और क्या हुआ इनकी पॉपुलेशन बढ़ी इनकी पॉपुलेशन बढ़ते 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 इतनी हो गई कि अब इन चूहों की जगह ये वाले जो चूहे इन चूहों की जगह कौन आ गया ये ब्लैक वाले चूहे आ गए ये चूहे तो खत्म हो ही रहते बर्ड्स इनको खा ही रही है लेकिन अगर चूहो की प्रजाति को बचना है तो इन्होंने क्या किया अपने डीएनए दी, दीन, के अंदर चेंजेस किए और इनका कलर चेंज हो गया जिसकी वजह से ये बच गए ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन है यानी कि क्या होता है नेचर सेलेक्ट करती है कि किसको सर्वाइव करना है अगर आप नेचर के साथ साथ में चेंज हो जाते हो तो बच जाते हैं अदरवाइज क्या होता है स्पीशीज पूरी खत्म हो जाती है तो ये स्पीशिएशन का एक मेथड है नेक्स्ट वन इज कि ये जो बीटल थे इसमें से क्या हुआ अचानक से ही ऐसा नहीं कि सोच समझ के हुआ था नहीं अचानक से ही एक नया बीटल इनके बीच में आ गया ब्लू कलर का बीटल हो गया किसी के अंदर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो क्या हुआ ब्लू कलर का बीटल आ गया ठीक है अब ये ब्लू कलर का बीटल क्या करेगा कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन भी करेगा रेड वाले करेंगे तो ये भी करेगा ये अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर रहा है अब क्या हुआ जो ये रेड वाले थे इन्होंने बुलाई एक मीटिंग इन्होंने बोला कि यार ये ब्लू वाले बीटल पता नहीं कहाँ से आ गए तो एक काम करते हैं मीटिंग करते हैं मीटिंग करके फिर इनको सोचते हैं कि इनको कैसे भगाना है उस मीटिंग में क्या हो गया इनकी बदकिस्मती थी कि एक एनिमल जो था उसका पैर इनकी मीटिंग के ऊपर जो इनकी पार्टी चल रही थी मीटिंग चल रही थी उनकी उन, उस घर के पड़ गया तो क्या हुआ सारे के सारे रेड बीटल्स जो थे वो खत्म हो गए ठीक है और जिससे ब्लू बीटल्स बच गए और ये जो ब्लू बीटल्स थे ये आराम से अपने ग्रो कर रहे हैं बीटल्स पूरे खत्म नहीं हुए सिर्फ कलर चेंज हुआ फाइन लेकिन ये क्या था ये जेनेटिक ड्रिफ्ट था कि अचानक से कोई चेंज हो गया किसी ने कुछ नहीं किया अपने आप ही कोई ना कोई चेंज हो गया है तो ये क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो इस तरह से भी काम करती है कि अचानक से ही कोई चेंज हुआ और अचानक से उस चेंज की वजह से क्या होगा जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो अलग हो जाएगी और बाकी जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई बट किसी ने किया कुछ नहीं अपने आप ही सब कुछ हो गया ठीक है चलो एक और चीज है एक और चीज क्या है कि जो बीटल्स है इनकी क्या मम्मी बाहर चलेगी मम्मी बाहर चली गई मतलब इनको खाना वाना नहीं मिला एक्चुअली मम्मी नहीं गई हमारे लिए होता है ये कि जब मम्मी बाहर चली जाती है तो हमको खाना वाना नहीं मिलता है क्यों हम फिर मैगी पे जिंदा रहते हैं कि यार कौन बनाएगा अपने लिए इतना सारा खाना एक तो आता और नहीं है नमक पूछो मिर्ची पूछो मम्मी से कितना डालना है क्या करना है काम करते मैगी बॉइल करते फटाफट खा के सो जाता अब अगर महीने भर मम्मी नहीं है और मैगी खा खा के रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी हेल्थ जो बिल्कुल डाउन हो जाएगी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जो बीटल्स थे ये बीटल्स क्या कर रहे थे आराम से पेड़ों पेड़ पत्तियां खा रहे थे अब पेड़ पत्तियों को क्या हो गया कोई तो डिजीज लग गई तो सारे पेड़ पौधे खराब हो गए अब इन बीटर्स को खाना नहीं मिला तो खाना नहीं मिला तो क्या हो गया डाइट वे, वे, वेट लॉस हो गया इनका वेट लॉस हो गया अच्छा खासा अब वेट लॉस के बाद क्या हुआ न्यूट्रिएंट्स की कमी तो हो ही गई थी बहुत धीरे 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 बूढ़े बूढ़े होकर चल रहे थे ये धीरे धीरे क्या हुआ अचानक से ही फिर से वो पेड़ पौधे ग्रो करने लग गए वो डिजीज खत्म हो गई होगी तो पेड़ पौधे ग्रो करने लगे जब पेड़ पौधों ने ग्रो किया तो इनको भी प्रॉपर डाइट मिलने लगे और प्रॉपर डाइट की वजह से देखो फिर से देखो इनके हट्टे कट्टे हो चुके अच्छे से है ना कितना अच्छा हो चुका है तो ये प्रोसेस जेनेटिक ड्रिफ्ट में नहीं आता है फाइन तो देर आर सम समल्यूजन कुछ इल्यूजन थे जो कि इवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि नई स्पीशीज जो है किस किस तरह से बन सकती है ठीक है तो ये जो स्पीशिएशन है इस स्पीशिएशन के अंदर देखो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ जो हमने नहीं पढ़ी वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है ठीक है इस लैंड एरिया के अंदर देखो इस लैंड एरिया के अंदर देखो ये क्या है ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की बर्ड्स रह रही थी अब क्या हुआ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ कुछ बर्ड जो थी माइग्रेट कर गई कुछ क्या हुआ कि दरार वरार आ गई जमीन के अंदर एकदम से तो कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई वर्ल्ड के अंदर हमें पता है कि सब जगह पर जो एटमोसफेरिक कंडीशन है वो सिमिलर नहीं है सब जगह पर अलग अलग तो उस अलग एटमोसफेरिक कंडीशन की वजह से या फूड जो मिल रहा था अलग अलग उनकी वजह से क्या हुआ ये थोड़ी अलग हो गई ये थोड़ी सी अलग हो गई ठीक है अब जब ये मिलने आई कुछ टाइम के बाद में तो इनको लगा कि यार ये तो नई स्पीशीज है इसमें तो तो हम है ही नहीं ये तो बिल्कुल डिफरेंट है तो ये वापस अपने घर चले ठीक है तो ये क्या जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी एक नई स्पीशीज का बॉन्ड हो सकता है ठीक है चलो तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है देखो एक आता है डार्विनिज्म एक डार्विनिज्म और आता है डार्विनिज्म डार्विनिज्म इस Darwinism में क्या था कि चार्ल्स डार्विन जो थे चार्ल्स डार्विन ने यही बताया है कि देखो इस बर्ड की देखो कितनी चेंजेस हो रही है इतने फेंस चेंज क्यों हो गई है चलो. कि आपको अब सब कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा था देखो आपको मैंने क्या कहा था कि इनहेरिटेड और स्पीशियन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे तो स्पीशीज के को पढ़ने के बाद एक बार फिर इनको रिकॉल uh, कर लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या तो इनहेरिटेड वैसे हमने समझा दिया था क्या है ये इनहेरिटेड इनहेरिटेड का मतलब है जो पेरेंट uh, से ऑफ स्प्रिंग को पास हो जाता है

पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर वही चीजें आती है जो जीन्स में चेंजेस होते हैं जो डीएनए में चेंज हो चुके होते हैं वही चेंज आगे ट्रांसफर होते हैं अदरवाइज नहीं होते है तो उन ट्रेड्स को हम क्या कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेड कहेंगे आपने कोई स्किल एक्वायर की है तो वो भी क्या होगा वो भी इनहेरिटेंस में नहीं आएगा देखो पिंक हेयर हमने करवा ली हाईलाइट करवाने का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना तो बाल हाईलाइट करवा लिए बहुत अच्छे अच्छे तो जो बाल हाईलाइट करवाया है ना वो आगे नहीं जाएंगे Uh, कानों को पियर्स करवाया जाता है इयरिंग्स के लिए तो ईयरिंग्स के लिए जब पियर्स करवाते हैं तो हर एक बेबी का अलग से करवाना पड़ता है ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन को करवाने की जरूरत नहीं है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है चलो सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी अब आ जाते हैं हमारे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पे कि जो इवोल्यूशन हुआ था क्या उसको हम क्लासिफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और हमें कैसे पता चला कि हम जो है चिंपैंडी से इवॉल्व हुए हम जो है किसी और चीज से आए हैं ये हमको कैसे पता चला है ना, बस वही हमें देखने। तो, देखो, एक आपको और हमारा तो हम देख हीसोर थे।, तो दे, अच्छा तो थे, थे लेकिन इनका वेट बहुत ज्यादा था तो ये जो फेदर्स थे ये इनके उड़ने में काम नहीं आते थे और ये फेदर्स इनके काम के किस लिए थे उड़ने में भले ही काम नहीं आए लेकिन काम के किस लिए थे फेदर्स तो है तो किसी ना किसी रीजन से होंगे एक्चुअली सर्दी में बचने के लिए थे सर्दी से बचने के लिए थे ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए इनके फेदर्स काम आते थे But ये उड़ नहीं पाते थे Because इनका वेट बहुत ज़्यादा था धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ evolution होता गया और उस इवोल्यूशन के साथ साथ में इनका वेट कम होता गया और जितना वेट कम हुआ उतना ही ज्यादा ये उड़ते चले गए और इनका इवोल्यूशन कहाँ से कहा हो गया डायनासोर से बर्ड में कन्वर्ट हो गए ठीक है चलो आगे आ जाओ हमारे पास कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि हम जो है चिमपैन से आए हैं या हम जो है इस स्पीशीज से आए हैं कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम देखे तो हमें लगता है कि अरे यार यू तो कई ऐसी इनसे इवॉल्व हुई होगी तो ये रिलेशनशिप हम किससे बता पाते हैं तो ये रिलेशनशिप हम बता पाते हैं कुछ ऑर्गन से कुछ फॉसल फ्यूल से फॉसल से फॉसल फ्यूल नहीं फॉसल से बता पाता है देखो आ, जब खुदाई होती है तो खुदाई के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिलती है या फिर हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो इस वाले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है कैसे पता चलेगा देखो जब हम हाथों को कंपेरिजन करते हैं हाथों का कंपेरिजन करेंगे तो हम इनको कहते हैं जैसे होमोलोगस ऑर्गन हैं क्या कौन से ऑर्गेन्स है होमोलोगस क्यों कहते हैं इनको होमोलोगस ऑर्गन या हाथों का कंपेरिजन को क्यों कहा हमने होमोलोगस ऑर्गन है हाथों को होमोलोगस ऑर्गन कैसे बोल सकते हैं हम इसलिए कि जब हम इनके हाथों को देखो कंपेयर करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बस फंक्शन इनका डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है स्ट्रक्चर सिमिलर है सिमिलर है लेकिन क्या चीज डिफरेंट है ओके okay, सिमिलर की स्पेलिंग देख लेना स्ट्रक्चर सिमिलर है और फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है फंक्शन डिफरेंट है चलो ठीक है स्ट्रक्चर सिमिलर है इनका फंक्शन डिफरेंट है कैसे देखो एक जो सेंटर के अंदर ये जो आपकी बोन है ये यहाँ पर भी है ये यहाँ पर भी है यहाँ देखो दो बोन आ रही है हमारे हाथों में दो बोन होती है रेडियस अलना पता होगा आपको तो ये जो रेडियस अलना यहाँ भी है यहाँ भी है फिर हमारे हाथों तो में यहाँ हम आ जाए तो क्या होता है देखो कुछ कार्पल्स है कुछ कार्पल्स हमें है, लगते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा लगता है यहाँ पर यहाँ अलग लग रहा है यहाँ अलग लग रहा है तो ये कार्पल्स जो है ये यह यहाँ पर भी प्रेजेंट है फिंगर्स के अंदर देखो जॉइंट्स बहुत सारे हैं तो यहां भी है यहां इसमें भी है और इसमें भी है क्लियर है है इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर लेकिन डिफरेंट क्या है डिफरेंट है इनका फंक्शन क्यों हमारे हाथ जो है किसी चीज को पकड़ने में काम में आता है होल्ड करने में काम में आता है लिखने में काम में आता है लेकिन बर्ड के जो विंग्स होते हैं वो बर्ड के विंग्स किस में काम आएंगे उड़ने में काम आते हैं ठीक है उसके अलावा वेल है वेल के फ्लिपर्स क्या काम आते हैं ना उड़ने में ना ही किसी चीज को होल्ड करने में वो इनको तैरने में हेल्प करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है और इनका फंक्शन डिफरेंट है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेन्स है यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस से ही एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही बॉर्न हुआ है भले ही डिफरेंट डिफरेंट हमें लग रहे हैं लेकिन फिर भी जिनका जो इनका एकदम ओरिजिन जो है ओरिजिन बिल्कुल एक सिम एक बिल्कुल सेम आ, कहते हैं ना ऑर्गेनिज्म से हुआ है इन तीनों का ही ओरिजिन कहाँ से हुआ बिल्कुल एक सिमिलर सोर्स है सिमिलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है ठीक है कैसे पता चला इनके स्ट्रक्चर को देख के पता चला तो इन ऑर्गेंस को जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है और इनके फंक्शन अगर डिफरेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स हम इनको कहते हैं ठीक है थीके? देखो हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ लिया इवोल्यूशन भी पढ़ते पढ़ते हमें पता तो हो कौन कहाँ से ओरिजिन हुआ है तो उसी के अंदर ये जो कुछ प्रूफ्स है जो हमें बताते हैं कि हाँ हम यहां से ओरिजिन हुए चलो अब कैसा हो कि स्ट्रक्चर uh, तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो जाए बट फंक्शन सिमिलर हो जाए फंक्शन जो है वो सेम हो एंड स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो तो so, यहां जो हमको विंग्स नजर आ रहे हैं इन विंग्स में अगर आप नोट करेंगे तो देखो ये सारे ही विंग्स किस में काम आते हैं उड़ने में काम आता है ठीक है लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया और देखो ये देखो ये है ये सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है तो इन ऑर्गेंस को हम क्या कहते हैं एनालॉगस ऑर्गेन्स हम इनको कहते हैं ठीक है तो होमोलॉगस और एनोलॉगस ऑर्गन को भी हम देख के बता सकते हैं कि किसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा इमेजिन कर सकते हैं एग्जैक्ट नहीं बट इमेजिन कर सकते हैं एक और चीज है जिससे हमें कुछ रिलेशनशिप के आ, कहते हैं ना प्रूफ्स मिलते हैं किससे फॉर्सल से मिलते हैं तो ये फॉर्सल्स हमने कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं देखे हैं हमने बिल्कुल देखे होंगे म्यूजियम के अंदर देखे होंगे या और कहीं देखे होंगे डिस्कवरीज के अंदर देखे होंगे सो डिस्कवरी के अंदर देखे होंगे ठीक है फॉसल बेसिकली होते क्या है तो देखो जब पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हुए जब उनका लाइफ स्पेन खत्म हो गया था तो जमीन के अंदर दबते चले गए ये जमीन के अंदर दबे फिर नए ऑर्गेनिज्म आए वो जमीन के अंदर दबे फिर और नए ऑर्गेनिज्म आए वो भी जमीन के अंदर दब गए और लास्ट में कौन आए इंसान आए और इंसानों ने क्या किया इनकी खुदाई करके जमीन की खुदाई करके बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें निकाले जो उनको लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत पुराने जमाने के है ये तो इतने साल पुराने हैं फिर उनको मैच किया गया कि अच्छा ये आज के इस ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहा है इसका मतलब हो सकता है यहां से किसी चीज का इवोल्यूशन हुआ है किस तरह से कोई चीज जो है इवॉल्व हो पाई है फाइन चलो और आगे आ जाओ नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशन जो होता है स्टेजेस के थ्रू ऐसा नहीं है कि सडन इवोल्यूशन हो गया वही इतना ज्यादा जो हम इवोल्यूशन अभी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि सडन हो गया कि आज आंख बंद करी कल आँख खुली तो इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका था जब कुछ भी नहीं था और एक सडनली क्या हो गया सब कुछ आ गया इतने सारे स्पीशीज आ गए इतनी सारी वेराइटी आ गई एनिमल्स की जबकि हम क्या कहते हैं कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पर तो सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म देन फिर प्लांट्स बने फिर धीरे 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 मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बने फिर उनके अंदर क्या होता गया इवोल्यूशन होता गया और बहुत सारी स्पीशीज बन गई तो ये इसको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे होंगे हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इतने ईयर्स के अंदर लगे होंगे फाइन तो इवोल्यूशन जो होता है वो एक स्टेजेस के थ्रू होता है ऐसा नहीं है कि सडन हो गया सडन कभी भी नहीं होगा स्टेजेस के थ्रू होगा अगर हम बात करें प्लेनेरिया की तो हमको पता है कि प्लेनेरिया से पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर आंखें नहीं होती थी बेसिकली प्लेनेरिया में भी नहीं होती आंखें तो लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो आइस को स्पॉट किया गया था कहा किया गया था प्लेनेरिया के अंदर देखा गया था तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आई स्पॉट थे आईज नहीं है ये झूठी आंखें झूठ बोलता है कि मेरे आइसपॉट आंखें नहीं है जब इसको अंधेरे के अंधेरे में ही रह सकता है लेकिन जैसे इसको लाइट में लाया जाता है तो जो आई आईसपॉट है इसकी वजह से तिल मिलाने लगते हैं और तिल मिला के भाग जाते हैं अंधेरे में ठीक है तो इन आई स्पॉट से क्या समझ में आया कि अच्छा ये जो आंखें हमारी यहाँ पर बनी है ना ये किसकी वजह से ये प्लेनेरिया के अंदर पहले ही दिख गया था कि हमारी आंखें जो है वो यहाँ बनने वाली है ठीक है तो इनके अंदर सबसे पहले आई स्पॉट बने थे फिर धीरे 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 क्या हुआ इवोल्यूशन होता था आज ये देखो ये जो गोभी की वैरायटी हमको मिल रही है वाइल्ड कैबेज से बनी है ये वैरायटी किसकी वजह से बनी है वाइल्ड कैबेज से ये भी क्या है एक तरह की कहते हैं ना इवोल्यूशन ही है डायरेक्ट नहीं बन गया कि, आ, अचानक से सब कुछ हो गया न, अचानक से कुछ भी नहीं होता है इवोल्यूशन कंटिन्यूसली स्टेजेस से होगा स्टेप बाय स्टेप होगा एक एक करके होगी हर हाँ चीज फाइन चलो आगे आ जाओ अब एक लास्ट थिंग की जो इवोल्यूशन है ये इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस क्यों हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो इस तरह से नहीं होगा कि भाई पहले प्लांट्स आए फिर प्लांट्स के बाद देखो बग्स आ गए फिर फिश बनी और उसके बाद ह्यूमन बींग बने तो क्या ये सारे खत्म हो चुके हैं नहीं हुए हैं जो इवोल्यूशन होता है वो हमेशा ट्री की फॉर्म में होता है मतलब कि एक स्पीशीज थी उस एक स्पीशीज से कोई रीजन से देखो ह्यूमन बींग बन गए कोई रीजन ऐसा है जिसकी वजह से फिश बन गई कोई रीजन था जिसकी वजह से बग बन गए फिर एक आया जिससे प्लांट्स बने हैं तो एक ही स्पीशीज से बहुत सारी चीजें बन सकती है जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो जाए पहले वाला खत्म हो जाए जैसे यहाँ पे पहले वाले को बिल्कुल खत्म कर दिया पॉसिबल नहीं है क्यों हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं जिस आए थे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही आए थे क्या आज वो खत्म हो गए नहीं हुए आज भी वो सब जगह प्रेजेंट है उसके बाद जो स्पीशीज आई थी क्या वो खत्म हो गई है नहीं हुई है तो हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो एक ट्री की फॉर्म में होता है ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टेयर्स की फॉर्म में होगा नहीं कभी भी सीढ़ी की फॉर्म में नहीं होगा कि पहले वाला खत्म हुआ तब जाके दूसरा वाला बना नहीं अगर हम बोल रहे हैं कि हम चिंपैन से आए हैं या हम बंदरों से आए हैं तो आज भी बंदर प्रेजेंट है वो खत्म नहीं हुए है ऐसा नहीं है कि बंदर खत्म हो चुके हैं बिल्कुल नहीं हुए हैं ठीक है तो जो इवोल्यूशन होता है वो प्रोग्रेस के साथ में होता है प्लस ये बहुत ही कहते ना एक स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है एक सडन नहीं हो जाएगा हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस है बहुत आराम आराम से होगा

ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक मैं बहुत टाइम बीत चुका है और इतने टाइम के अंदर नेचर जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया बना रही है हमेशा डीएनए में चेंजेस होते जा रहे हैं हमें नहीं पता आज हम यहाँ है आज हजारवीं जनरेशन के बाद हजारों साल बाद जब हमारी जनरेशन को देखा जाएगा तो वो हमारे जैसी होगी या एक नई टाइप की स्पीशीज बन जाएगी वी डोंट नो ठीक है चिंपैन को नहीं पता था कि करोड़ों साल मिलियंस ऑफ इस के बाद मैं इस टाइप का दिखूंगा लेकिन आज दिख रहा है ना किसकी वजह से इवोल्यूशन की वजह से हेरिडिटी की वजह से चलो सो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा एंड नाउ अब एग्जाम की तैयारी के लिए कमर कस ले हट, अच्छे से कमर कस ले और बैठ जाए अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं कोई पार्टी नहीं कुछ नहीं नथिंग चलो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो so मच